देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अपने संयम, कर्मयोग, राष्ट्रवाद और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। यही वजह है कि उनके विरोधी हों या समर्थक, सभी उनका सम्मान करते थे और यही बात उनकी वैश्विक स्वीकार्यता को दर्शाती भी है। हिमालय जैसा विराट व्यक्तित्व के मालिक और वाणी के धनी वाजपेयी उन विरले राजनीतिक शख्सियतों में से एक थे जिनका असल मायने में कोई विरोधी नहीं था, सारा देश उनका अपना था। यूएन में उन्होंने हिंदी में भाषण देते हुए जय जगत का नारा दिया, यानी देश ही नहीं बल्कि ये पूरी दुनिया उनकी अपनी थी। अटल बिहारी वाजपेयी अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके शब्द, उनके भाषण, उनके विचार और समाज के लिए किए गए उनके काम हमेशा हमारे साथ रहेंगे और उनका ओजस्वी, तेजस्वी और यशस्वी व्यक्तित्व हमेशा देश के लोगों का मार्गदर्शन करता रहेगा। आइए याद करते हैं अटल जी को उनके भाषणों और कविताओं के जरिए। अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व का जादू उनके भाषणों में साफ छलकता था। उनके भाषणों को सुनने के लिए हर कोई, चाहे वो आम आदमी हो या संसद के बड़े बड़े सूरमा हो, सब इंतजार में रहते थे कि कब अटल जी बोलेंगे। रुक रुक कर, सोच समझ कर, एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच कहीं खोकर, फिर वापस आकर ऐसा कुछ कह जाना कि हर कोई दंग रह जाए। ये कला वाजपेयी के अलावा किसी और के पास नहीं थी। 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार में उन्हें विदेश मंत्री यूं ही नहीं बनाया गया, और जब बारी आई संयुक्त राष्ट्र में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व की तो वाजपेयी जी ने पहली बार हिंदी में भाषण देकर पूरी दुनिया के सामने भारत का न सिर्फ मान बढ़ाया बल्कि सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। आइए सुनते हैं उनका ये भाषण। मैं भारतीय जनता की ओर से राष्ट्र संघ के लिए शुभकामनाओं का संदेश लाया हूं। महासभा के इस 32वें अधिवेशन के अवसर पर मैं राष्ट्र संघ में भारत की दृढ़ आस्था को पुनः व्यक्त करना चाहता हूं। जनता सरकार को शासन की बागडोर संभाले केवल 6 मास हुए, फिर भी इतने अल्प समय में हमारी उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं। भारत में मूलभूत मानव अधिकार पुनः प्रतिष्ठित हो गए। जिस भय और आतंक के वातावरण ने हमारे लोगों को घेर लिया था वह दूर हो गया है। ऐसे संवैधानिक कदम उठाए जा रहे हैं जिनसे यह सुनिश्चित हो जाए कि लोकतंत्र और बुनियादी आजादी का अब फिर कभी हनन नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। अनेकानेक प्रयत्नों और कष्टों के बाद संयुक्त राष्ट्र के रूप में इस स्वप्न के अब साकार होने की संभावना है। यहां मैं राष्ट्रों की सत्ता और महत्ता के बारे में नहीं सोच रहा हूं। आम आदमी की प्रतिष्ठा और प्रगति मेरे लिए कहीं अधिक महत्व रखती है। अंततः हमारी सफलताएं और असफलताएं केवल एक ही मापदंड से नापी जानी चाहिए कि क्या हम पूरे मानव समाज, वस्तुतः हर नर नारी और बालक के लिए न्याय और गरिमा की आश्वस्ति देने में प्रयत्नशील हैं। अफ्रीका में चुनौती स्पष्ट है। प्रश्न यह है कि किसी जनता को स्वतंत्रता और सम्मान के साथ रहने का अनपर्णीय अधिकार है या रंग भेद में विश्वास रखने वाला अल्पमत किसी विशाल बहुमत पर हमेशा न्याय और दमन करता रहेगा। निस्संदेह रंग भेद के सभी रूपों का जड़ से उन्मूलन होना चाहिए। हाल में इजराइल ने वेस्ट बैंक और गाजा में नई बस्तियां बसाकर अधिकृत क्षेत्रों में जनसंख्या परिवर्तन करने का जो प्रयत्न किया है, संयुक्त राष्ट्र को उसे पूरी तरह स्वीकार और रद्द कर देना चाहिए। यदि इन समस्याओं का संतोषजनक और शीघ्र ही समाधान नहीं होता तो इसके दुष्परिणाम इस क्षेत्र के बाहर भी फैल सकते हैं। यह अति आवश्यक है कि जिनेवा सम्मेलन का शीघ्र ही पुनः आयोजन किया जाए और उसमें पीएलओ को प्रतिनिधित्व दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, भारत सब देशों से मैत्री चाहता है और किसी पर प्रभुत्व स्थापित करना नहीं चाहता। भारत न तो आणविक शस्त्र शक्ति है और न बनना ही चाहता है। नई सरकार ने अपने असंदिग्ध शब्दों में इस बात की पुनर्घोषणा की है। हमारी कार्यसूची का एक सर्वस्पर्शी विषय जो आगामी अनेक वर्षों और दशकों में बना रहेगा वह है मानव का भविष्य। मैं भारत की ओर से
इस महासभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि हमें एक विश्व के आदर्शों की प्राप्ति और मानव के कल्याण तथा उसके गौरव के लिए त्याग और बलिदान की बेला में कभी पीछे नहीं रहेंगे। जय जगत। धन्यवाद। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निधन के बाद जनसंघ और बीजेपी की जिम्मेदारी वाजपेयी जी के कंधों पर आ गई। वो बीजेपी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए सर्वसम्मति से। आइए सुनते हैं बीजेपी को गलियों से सत्ता तक पहुंचाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी का पहला अध्यक्षीय संबोधन। भारतीय लोकतंत्र के प्राण, 65 करोड़ लोगों की असमानता की उत्कट आकांक्षा और शोषण की स्थितियों से मुक्ति की तीव्र आतुरता में बसते हैं, लोकतंत्र से खिलवाड़ करना चाहते हैं, उन्हें इतिहास लोक चेतना की तूफानी धारा में बहाकर ले जाएगा। आवश्यकता इस बात की कि गणतंत्र की रक्षा और नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना के संघर्ष में हम किसानों, मजदूरों, ग्रामीण, गरीबों, दस्तकारों, युवकों, छात्रों तथा महिलाओं को भागीदार बनाएं और उनमें यह विश्वास पैदा करें कि अपनी स्थिति को सुधारने का उनका यत्न यथास्थिति को एकजुट होकर बदलने से पूरा होगा। भारतीय जनता पार्टी राजनीति में, राजनीतिक दलों में, राजनेताओं में जनता के खोए हुए विश्वास को पुनर्स्थापित करने के लिए जमीन से जुड़ी हुई राजनीति करेगी। शिखर की राजनीति के दिल लग गए, तोड़ तोड़ की राजनीति का कोई भविष्य नहीं है। सब पैसा और प्रतिष्ठा के पीछे पागल होने वालों के लिए हमारे यहां कोई जगह नहीं है। जिनमें आत्मसम्मान का अभाव हो दिल्ली में जाकर, दिल्ली के दरबार में जाकर मुजरे झाड़े। हम तो एक हाथ में भारत का संविधान और दूसरे में समता का निशान लेकर मैदान में कूदेंगे और जूझेंगे। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और संघर्ष से प्रेरणा लेंगे। सामाजिक समता का बिगुल बजाने वाले महात्मा फुले हमारे पथ प्रदर्शक होंगे। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। करीब 4 दशकों तक विपक्ष में रहने वाले, जमीन पर कड़ी मेहनत करने के बाद 1996 में वो पल भी आया जब वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने। उनका पहला कार्यकाल महज 13 दिन ही चला, लेकिन सरकार छोड़ते वक्त उनका दिया गया भाषण इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। आइए सुनते हैं अटल जी का वो भाषण। देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, न सांप्रदायिक आधार पर, न जाति आधार पर, न राजनीति ऐसे दो खेमों में बंटनी चाहिए कि जिनमें संवाद न हो, जिनमें चर्चा न हो। देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी संकटों के निराकरण में, हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी नाम के ही अटल नहीं थे, बल्कि वो विचारों और कर्म से भी अटल थे। कश्मीर उनके दिल के बेहद करीबी विषयों में से एक था। ये अटल बिहारी वाजपेयी ही थे जिन्होंने कश्मीर समस्या के समाधान के लिए जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत का नारा दिया। भला हो बागवानों, नवबहार शान पैदा कर, भला हो बागवानों,
नौबहार क्षण पैदा कर, फलन बुल गठकरण बुलबुल कितुई सामान पैदा कर। ए माली आओ फिर से बगिया को बहार दें, इस बात को फिर से हरा भरा करें, पेड़ों पर फिर से फूल आने दो, बुलबुलें चहचहाने दो। अभी तक जो खेल होता रहा मौत का खून का, वो बंद होना चाहिए। लड़ाई से समस्या हल नहीं होगी। पाकिस्तान के जनरल साहब को हमने आगरा आने की दावत दी, हमने कहा ताजमहल के किनारे बैठकर शायद ये ख्याल आ जाए कि हमको प्रेम के साथ रहना है, मिलकर रहना है, मगर वो भी पूरा नहीं हुआ। हम फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, मगर हाथ दोनों तरफ से बढ़ना चाहिए, दोनों तरफ से फैसले होने चाहिए कि हम मिलकर रहेंगे। मुफ्ती साहब के नेतृत्व में जो यहां सरकार चल रही है उसे कामयाब बनाना हम सबका फर्ज है, ये हम सबका काम है। आपको जो भी शिकायत हो उसको मिलकर दूर करिए। दिल्ली का दरवाजा करके जाइए, दिल्ली अपना दरवाजा आपके लिए कभी बंद नहीं करेगी, दर का दिल का दरवाजा भी खुला रहेगा। कि दिन बदल रहे हैं, मौसम बदल रहे हैं, बहारें फिर से आएंगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम मिलकर काम करें कंधे से कंधा लगाकर। जमहूरियत, इंसानियत और हम कश्मीरियत को बचाएं। बड़ी चीज है कश्मीरियत। यहां जो सूफी संतों की परंपरा हुई है, यहां जो दीन के बारे में एक जागृति पैदा हुई है, वो सबको बुरा हमारा रास्ता उजाला करे, रास्ते में रोशनी दिखाए। हम मिलकर चलें, मिलकर अपने देश को बनाएं, अपने सूबे को बनाएं। यूं तो भारत ने 1974 में ही पहला परमाणु शक्ति परीक्षण कर लिया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण भारत अब भी परमाणु शक्ति के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं हो पाया था। लेकिन 1998 में अटल जी ने जब दूसरी बार सत्ता संभाली तो पोखरण 2 की परीक्षण की इजाजत देकर अपनी राजनीतिक दिलेरी का सबूत दे दिया। वो कहते थे कि देश सर्वोपरि है और देश हित के लिए वो कभी किसी दबाव में काम नहीं करेंगे। दुनिया ने कितनी निगरानी और दबाव बनाया हो, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी वो कर गए जो उनसे पहले की सरकारें नहीं कर पाई। टुडे एट 15:45 आवर्स इंडिया कंडक्टेड 3 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट इन द पोखरण रेंज। दीज टेस्ट कंडक्टेड टुडे वेयर विथ ए फिशन डिवाइस, ए लो ऑयल डिवाइस एंड ए थर्मो न्यूक्लियर डिवाइस। पोखरण 2 कोई आत्मश्लाघा के लिए नहीं था, कोई पुरुषार्थ के प्रकटीकरण के लिए नहीं था, लेकिन हमारी नीति है और मैं समझता हूं यह देश की नीति रही है। कि मिनिमम डिटरेंट होना चाहिए, वो क्रेडिबल भी होना चाहिए, इसलिए परीक्षण का फैसला किया गया। उसके कारण कुछ कठिनाइयां आएंगी हमें मालूम था, लेकिन देश उन कठिनाइयों का सफलतापूर्वक सामना करेगा यह भी हमको विश्वास था और ऐसा ही हुआ। आर्थिक प्रतिबंध हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सके, रक्षा संबंधी फैसले करने से हमें विरत नहीं कर सके, लेकिन परीक्षण के साथ हमने यह भी ऐलान किया
कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे। नो फर्स्ट यूज। हमने ये भी कहा कि जिनके पास परमाणु शस्त्र नहीं है हम उनके विरुद्ध उनका उपयोग नहीं करेंगे। हमने परीक्षण बंद करने का भी ऐलान किया। सचमुच में पोखरण में हम एक और परीक्षण कर सकते थे, लेकिन जब हमें लगा कि वैज्ञानिक तकाजा पूरा हो गया है तो उस परीक्षण को हमने छोड़ दिया। एटमी हथियार रक्षा के लिए भी हो सकता है। युद्ध टालने के लिए उनका प्रयोग हुआ है। इतने वर्षों तक यूरोप में शांति रही, दो शिविरों में बटे हुए विश्व में युद्ध नहीं हुआ। इसके मूल में कहीं ना कहीं ये बात थी कि शक्ति संतुलन है और इसलिए एक दूसरे को छेड़ने से बाज आना चाहिए। डिटरेंट के पीछे यही परिकल्पना है। अटल बिहारी वाजपेयी बार बार कहते थे कि दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। वो एक शांति दूत थे। वो जानते थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच तल्खियां दोनों मुल्कों को पीछे धकेल रही हैं। भाईचारे का संदेश लेकर वो लाहौर गए। उनकी ये कोशिश हालांकि पाकिस्तान के रवैये के चलते भले ही सफल नहीं हो सकी, लेकिन उनका भाषण पाकिस्तान के लोगों के दिलों को भी पिघला गया। पिछले 10 सालों में हिंदुस्तान के किसी वजीर आजम का यह पहला दौरा है। मुझे आपके बीच आकर बहुत खुशी हुई। जिस वक्त मैंने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया और शाम के ढलते हुए सूरज का खूबसूरत नज़ारा देखा, उस वक्त मेरे दिल में मिले जुले जज्बात उठे। मुझे इस बात के लिए खुशी थी कि मैं 20 साल के बाद फिर से अमन और दोस्ती का पैगाम लेकर आपके बीच में आ रहा हूँ। लेकिन अफसोस इसलिए था कि हमने इतना वक्त आपसी रंजिश और कड़वाहट में बिता दिया। भारत और पाकिस्तान जैसे दो महान देशों के बीच 50 सालों तक आपसी मनमुटाव चलता रहे ये शोभा नहीं देता। हमने अपने रिश्तों के उन पहलुओं पर भी बातचीत की है और आगे भी करेंगे जिन पर हम एक राय नहीं हो पा रहे। उन पर बातचीत जरूरी भी है। चूंकि हम मसलों को हल करना चाहते हैं इसलिए हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसे सीधी बातचीत के जरिए सुलझाया न जा सके। दरअसल यही एक रास्ता है। आज हमारे आपसी रिश्तों में कोई ऐसा मसला नहीं है जिसका हल हिंसा और खून खराबे से निकाला जा सके। मुश्किल और बकाया मसलों का हल एक साफ सुथरे माहौल में और एक संतुलन, नरमी और सच्चाई का रास्ता अपना कर ही किया जा सकता है। जो लोग हिंसा की वकालत करते हैं, हिंसा का रास्ता अपनाते हैं और हिंसा को बढ़ावा देते हैं, उनसे मुझे एक ही बात कहनी है, वे अमन और समझबूझ के रास्ते की सच्चाई को समझें। यही वजह है कि हम कंपोजिट डायलॉग के सिलसिले में सभी बकाया मुद्दों पर जिनमें जम्मू कश्मीर शामिल है बातचीत का स्वागत करते हैं। जैसे जैसे हम एक नए युग की ओर बढ़ रहे हैं, भविष्य हमें दावत दे रहा है, वह हमें पुकार रहा है, सचमुच हमसे मांग कर रहा है कि हम अपने बच्चों के बच्चों और उनके बच्चों और आने वाली नई पीढ़ियों की भलाई के बारे में सोचें। हिंदुस्तान से मैं एक ही संदेशा लाया हूँ, हम एक ऐसा रास्ता बनाकर जाएं जिससे बेतवारी दूर हो, विरोध व आपसी मतभेद मिटे
तथा पुख्ता मन चैन कायम हो, दोस्ती भाईचारे तथा कोऑपरेशन का माहौल बने। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इकट्ठी कोशिशों के जरिए ऐसा करने में कामयाब होंगे। अटल बिहारी वाजपेयी एक राजनेता के तौर पर अपने भाषणों के लिए जितना सराहे गए, उतना ही प्यार उनकी कविताओं के लिए भी उन्हें मिला। उनकी कविताएं उनके व्यक्तित्व की पहचान के साथ ही भूत, भविष्य और वर्तमान के प्रति उनके नजरिए को भी प्रस्तुत करती हैं। जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं उनकी कुछ कविताओं के साथ। ओजस्वी भाषण, संवेदनशील कविताएं और जिम्मेदार जुबान के उस्ताद अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व भारतीय राजनीति में एक कविता का मानिंद ही है। उन्होंने अपनी कविताओं में समाज के हर तबके की चिंताओं तक को समेटा है। उनकी कविताओं में जहां जीवन का सच और संघर्ष की बात है, तो कहीं विद्रोह और वेदना, तो कहीं बेचैनी है। जीवन के संघर्ष से लड़ना और चुनौतियों का सामना करने की उनकी जिजीविषा निराली है। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया। एक तरफ जहां अटल जी जीवन के नए सवेरे को अपनी कविता के जरिए व्यक्त करते हैं, तो दूसरी तरफ समाज में व्याप्त अंधेरा और संवेदनहीनता को लेकर गहरी वेदना भी जताते हैं। गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। लगी कुछ ऐसी नजर बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। आसपास की बिखरी चीजें हमेशा उनके कवि हृदय को झकझोरती रही। मानवीय संवेदना उनकी कविता का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, जिसे वे बार बार अपनी कविता के जरिए व्यक्त करते रहे। अंतर रोए आंख न रोए, धुल जाएंगे स्वप्न सजोए, छलना भरे विश्व में केवल सपना ही तो सच होता है, दूर कहीं कोई रोता है, दूर कहीं कोई रहता है। देश से बड़ा उनके लिए कुछ नहीं, तभी तो पाकिस्तान की नापाक हरकतों और अमेरिका से उसके समझौते पर वाजपेयी जी ने कविता के जरिए अपने निराले अंदाज में न केवल उसे सचेत किया, बल्कि चेतावनी भी दे डाली कि भारत से टकराने का अंजाम क्या होगा। एक नहीं दो नहीं करो बीसों समझौते जो पाकिस्तान से कहा गया है, एक नहीं दो नहीं करो बीसों समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, शिवेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता, इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिंगारी का खेल बुरा होता है, इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर आग लगाने का जो सपना वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। तमाम चिंताओं और दुश्वारियों के होते हुए भी अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी आशा और उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। देश के विकास के लिए वे कविता के जरिए सभी को कदम मिलाकर चलने का आह्वान करते रहे। कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती है आए, हृदय हृदय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे सर पर बरसे यदि ज्वालाए, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती है आए, गृह प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निहाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, हास्य रुदन में तूफानों में,
ये शब्दावली पर ध्यान दीजिए, हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर संख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अंधियारे उजियारे में, अंधकार में, कलकछार में, बीचधार में, घोर खड़ा में, भूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घहार में, जीवन के शतशत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अटल बिहारी वाजपेयी का कद जिंदगी से भी बड़ा है। वो मौत की हकीकत को बखूबी समझते रहे, लेकिन इतने बहादुर कि मौत से ठान लेने में भी नहीं कतराते। अटल बिहारी वाजपेयी के शब्द ही उनका जीवन दर्शन बन गए हैं। समाज का कोई ऐसा कोना नहीं जिसको अटल जी ने अपने शब्दों से ना छुआ हो। उनकी लिखी एक एक कविता आने वाली पीढ़ियों तक ना सिर्फ उनके संदेश और विचारों को पहुंचाएंगी, बल्कि हर दौर के लिए समसामयिक बनी रहेंगी।